प्रश्न ये है कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही कैकेयी जी ने वनवास क्यों दिया, ये प्रश्न है। आप लोग प्रश्न समझ गए ना? अरे जब देना ही था तो 12 वर्ष का दे देती, 13 वर्ष का दे देती, जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास थे, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, 15 वर्ष का दे देती, 16 वर्ष का दे देती। कैकेयी जी ने राघव जी को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया, ये जिज्ञासा है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे तो विश्वंभर से सारी टीकाएं वाल्मीकि की ढूंढवाई, कुछ नहीं मिला। अब आइए, मानस पीयूष में कोई बहुत अच्छा नहीं मिला। आइए मैंने जो सोचा है वो आपको निवेदित कर रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, मंथरा ने कहा था, सुधिपाई तुम मोसन आजू, तो कैकेयी के मस्तिष्क में आया, तस्फर उन्हें देव कर साका। कैकेयी ने कहा ठीक है, मुझसे 14 दिनों तक छिपाया गया तो राम जी को 14 वर्षों का वनवास मैं दे देती हूं, जाओ। एक दिन छिपाने के उसमें बदले में 1 वर्ष का वनवास। ये समाधान है, पर जैसा मैंने कहा कि सरस्वती जी कुछ भी नहीं है, वो राम जी की कठपुतली हैं। अब हम विचार अब ये करेंगे कि राम जी ने स्वयं का 14 वर्षों का वनवास क्यों सरस्वती जी से कहलवाया, सरस्वती जी की प्रेरणा से कैकेयी से क्यों कहलवाया, इस पर कुछ समाधान मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। पहला समाधान तो मैंने आपको बता दिया कि चौदह दिन मुझे नहीं बताया गया तो लो 14 वर्षों का वनवास, एक दिन के छिपाने में 1 वर्ष का वनवास। अब दूसरा समाधान, सरस्वती जी जानती हैं कि मेघनाद का वध साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, मेघनाद का वध वही कर सकता है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसको कि जो 14 वर्ष पर्यंत निद्रा नारी और भोजन का त्याग कर दे। और यह कार्य लक्ष्मण ही करेंगे, जब राम जी के साथ बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोएंगे नहीं, 14 वर्ष पत्नी का चिंतन नहीं करेंगे और 14 वर्ष भोजन नहीं करेंगे।
इसे मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के हाथ कराने के लिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कह दिया कि तुम कैकेयी से 14 वर्ष का राम जी का वनवास मांग लो। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस अथवा सरस्वती जी तो सामान्य बुद्ध की महिला है, खरदूषण ने दंडक वन में 14,000 राक्षसों की सेना इकट्ठी की है। कितने हजार है? 14,000। सुर डरत 14,000 प्रेत, सुर दरत 14,000 निश्चर देख एक अवध धनी, खरदूषण के पास 14,000 सेना है और राम जी अकेले हैं। तो सरस्वती जी ने सोचा किनको दंडक वन में भेजा जाए, वहां कम से कम 14 वर्ष इनको समय मिलेगा, तो 14 वर्षों में खरदूषण की 14,000 सेना का राम जी संहार कर देंगे। इसलिए तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस बे। बहुत अच्छा, आप लोग समझते जाइएगा। देखो हमारे इटाव के श्रोता कितने सुंदर हैं, बिल्कुल चुपचाप मेरी कथा सुन रहे हैं इटावे के लोग। पर भाई साहब अन्य वक्ताओं पर कृपा करिए रहेगा, कृपा करे रहिएगा, किए रहिएगा, अन्य लोग इतना श्रम करेंगे नहीं, इधर उधर सुनाएंगे आपको। अब चलिए चौथा समाधान। इस वन यात्रा में राम जी के सामने 14 राक्षस होंगे। कितने? 14। कुछ को स्वयं मारेंगे, कुछ को लक्ष्मण जी से मरवाएंगे। 14 लोगों का दमन करना है राम जी को। चले गिने, विराट, खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच, कबंध, बाली और अक्ष कुमार, बाली और अक्ष कुमार, लंकिनी,
अकंपन कालनेमी कुंभकर्ण मेघनाद और रावण इतने लोगों का संहार करना है तो कई सरस्वती ने सोचा कि राम जी को 14 वर्ष का समय दे देना चाहिए। तापस बेस विशेष उदासी तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी तापस बेस। ध्यान रखें, विराध खर दूषण त्रिशिरा मारीच कबंध बाली लंकिनी अक्ष कुमार कालनेमी अकंपन बारिदनाथ अकंपन कुंभकर्ण कुंजर कहर बारे हो कुंभकर्ण मेघनाद और रावण इन 14 असुरों का राम जी को दमन करना था। इसे सरस्वती जी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास कहलवा दिया। कह के जैसे अब आगे सुनिए, भगवान राम जानते हैं कि इस बार विद्या और अविद्या का संग्राम होगा। राम जी के पास विद्या है और रावण के पास अविद्या है। और विद्या और विद्याएं होती कितनी हैं? 14 विद्याएं होती हैं हमारे भारत में, गिनिए। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 हो गए, शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष छंद और व्याकरण 4 और 6 कितने हो गए? 10। न्याय मीमांसा पुराण और धर्मशास्त्र 10 4 14। तो सरस्वती ने कहा कि 14 विद्याओं का प्रयोग वनवास में करने के लिए राम जी को 14 वर्ष का समय देना चाहिए। इस तापस बेस विशेष उदास तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवा 14 वर्ष राम बनवास
सी तापस बे उदासी तापस बे विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी तापस बे चौदह वर्ष का राम जी को वनवास दिया गया। ये 14 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है और रावण किसका भक्त है आप जान ही रहे हैं। रावण ने अपने दसों सिर किसको काट के चढ़ाए थे? शंकर जी को। किसको? शंकर जी। और शंकर जी ने जब तांडव नृत्य किया था तो तांडव नृत्य के विश्राम में 14 बार डमरू बजाया था। और व्याकरण के 14 सूत्र पढ़े थे। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो 14 सूत्र अगुण रिलिक ए ओम आई औच हय वरट लण यम गणनम झभय घटधस जब गडदस खफ छठत चटताओ खफ छठत चटताओ कपय शश सर हल। ये 14 सूत्र पढ़े थे। सरस्वती जी ने कहा कि ये ही 14 सूत्र साधुत्व की परिभाषा करते हैं और रावण असाधु है अतः असाधु का दमन करने के लिए राम जी को 14 सूत्रों का चिंतन करना होगा। उसके लिए उन्हें 14 वर्ष चाहिए। तापस बेस विशेष उदासी तापस बेस विशेष उदासी चौदह बरिस राम बनवासी चौदह बरिस राम वनवासी तापस बे। जय हो प्रभु।
मुनियों ने सरस्वती जी से कहा कि हमारी बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों दोषयुक्त हो गए हैं, दसों इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार और चित्त, इन चौदहों को राम जी ही पवित्र कर सकते हैं, इसलिए वन में उन्हें 14 वर्ष रहने दिया जाए। मुनियों की प्रार्थना पर सरस्वती जी ने कैकेयी जी से राम जी के 14 वर्ष मंगवा दिया। विशेष उदासी तापस विशेष उदास 14 वर्ष राम बनवा बहुत आनंद है आज, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वक्तव्य। भगवान 14 वर्षों में दसों इंद्रियों को और 4 अंतःकरणों को निर्मल करेंगे, इसीलिए उनको 14 वर्षों का वनवास दिया गया। जैसा कि हम कह चुके हैं, चौदह विद्याएं चाहिए ही चाहिए, और आगे कहेंगे हनुमान जी से, हनुमान जी के संबंध में लक्ष्मण जी से राम जी कहेंगे, अरे बहु व्याहृता न किंचित शब्दितम नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन विना श्रुतम। लगता है कि संपूर्ण व्याकरण इस व्यक्ति ने विधिवत सुन लिया है। राम जी 14 वर्षों में व्याकरण का चिंतन करेंगे, व्याकरण असाधु शब्दों से साधु शब्द का अनाख्यान करता है, राम जी भी असाधुओं को मारकर साधुओं की रक्षा करेंगे। इस ताप से विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवासी तापस विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवासी तापस हमारे यहां 14 भुवन कहे जाते हैं। कितने भुवन कहे जाते हैं? 14। क्यों श्रोताओं, कितने भुवन? सुंदरकांड में है ना, 14 भुवन एक पंक्ति हो, 14 भुवन
अतल बितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल इस साथ हो गए। भूरलोक भूवरलोक स्वरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक और सत्यलोक, ये कितने हो गए? 14। राम जी 14 भुवनों में अपना आदर्श उपस्थित करेंगे, इसे उनको 14 वर्ष चाहिए सरस्वती के मत में। अतः तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वे। आनंद बहुत हो रहा है। चौदह वर्षों का राम जी का वनवास क्यों? राम जी में 14 गुण हमने आपको बताए, 14 विद्याएं, और रावण में 14 अवगुण हैं। तो सरस्वती जी ने सोचा कि रावण के 14 अवगुणों को समाप्त करने के लिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। कौन काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अज से अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु बिमराम विमुख श्रुत संत विरोधी तन पोषक निंदक अघ खानी और जीवत सव सम 14 प्राणी। कौल, कौल माने जो बहुरूपिया हो, अंतःशाक्ता बहिःशैवा सभा मध्येतु वैष्णवा, भीतर से पंच मकार खाएंगे पिएंगे, चुपके से लहसुन प्याज पी लेंगे, बाहर शैव बनेंगे सभा में वैष्णव बन जाएंगे। जिसकी करनी और करनी में अंतर हो वो कौल। जबकि ब्राह्मण को कभी लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, वैष्णव को भी। मैं तो इस कान वालों को कहूंगा बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेजों को भी बिचारों ने लहसुन प्याज छुड़वा दिया, धोती पहना दी। हमारे यहां तो ये ब्राह्मण जितने हैं, अब पश्चिम का ब्राह्मण तो बहुत बदमाश हो गया है, जनेऊ ही नहीं पहनना चाहता ब्राह्मण यहां का, और गुंडागिरी पर तो उतारू हो जाता है। अब इनकी गुंडा वो तो सवेरे मुझे दिखाई पड़ जाता है इनकी, कितने गुंडे होते हैं यहां के लोग, मैं तो चुप रहता हूं। नहीं तो गुंडे गुंडे गुंडों को तो दंडे से उत्तर दे देना चाहिए, हमारे पास है व्यवस्था, पर मैं नहीं करूंगा, मैं अपने स्वभाव से इनकी गुंडागिरी दूर करूंगा। तो देखिए, कौल माने जो बहुरूपिया हो,
काम बस जो कामी कृपाण जो बहुत कंजूस हो, विमूढ़ा जो बहुत मूर्ख हो, अति दरिद्र जो बहुत दरिद्र हो, कभी सत्संगति नहीं की है, अजसी जिसके पास अपयसी ही अपयस हो, अति बूढ़ा जो बहुत वृद्ध हो गया हो, सदा रोग बस जो निरंतर किसी न किसी रोग से पीड़ित हो, संतत क्रोधी जिसको बात बात में क्रोध आता है, राम विमुख राम जी से जो विमुख हो, अरे मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपको, आज का मनुष्य बहुत पापी हो गया है। राम जी से प्रेम ही नहीं करना चाहता, और इतना जान लीजिए कि जो राम जी से प्रेम नहीं करेगा उसका जीवन नरकमय हो जाएगा, अंत में उसे पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर गए हो बीते। जवानी में बहुत अच्छा लगता है, अब बुढ़ाई में जब घुटना दर्द करेगा, कमर दर्द करेगी, सांस नहीं लेते बनेगा, तब लगेगा कि राम जी तभी इतने नीचे, हाय माई हाय बाप। अरे माई बाप कुछ करेंगे, राम जी कहो तो कुछ समाधान भी हो, माँ बाप क्या समाधान करेंगे तुम्हारा बताओ। श्रुति संत विरोधी जो वेदों और संतों का विरोध करते हैं, तन पोषक अपना शरीर खूब बनाते हैं चकाचक, निंदक सबकी निंदा करते हैं, अगखानी जो पाप ही की खानी बने बैठे, ये 14 लोग जीते जी सबके समान हैं, जीवत सौसम 14 प्राणी। रावण में 14 दुर्गुण हैं, अंगद जी कहते 14 दुर्गुण तुम में है, तुम कौन हो, सोचो तुम थे राक्षस और सीता जी का हरण करने के लिए तुम नकली सन्यासी बने, तुम कामी हो। हजार लाखों महिलाओं का तुमने चरित्र, लाखों महिलाओं के चरित्र से खिलवाड़ किया है तुमने, तुम कृपण हो। सोने की लंका है पर राक्षस भूखों मर रहे हैं, तुम मूर्ख हो। अत्यंत दरिद्र हो, कभी संतों से संतों के दर्शन नहीं किए, अजसी चारों ओर से तुम्हें अपयसी ही मिल रहा है, अति बूढ़ा बहुत वृद्ध हो चुके हो तुम, अब मुख में एक दांत नहीं रह गए हैं, सदा रोग बस निरंतर रोगी रहते हो। संतत क्रोधी बात बात में तुम्हें क्रोध आ जाता है, राम जी से विमुख हो, वेदों और संतों के तुम विरोधी हो, अपने शरीर का पोषण करते रहते हो, निंदा करते हो, अघ के खानी हो, पाप, अरे क्या बताऊं, जब भगवान से प्रेम नहीं तो क्या बताया जाए आपको। अब सुंदर कांड तो कितना सरल है कि नहीं, आनंद आता है,
पर कुछ ऐसे लोग हैं, हमने कहा सुंदरकांड का पाठ करो, तो कहा मेरी छाती में दर्द होता था, मर जाओ यार। जब सुंदरकांड का पाठ करने से छाती में दर्द हो रहा थी, ऐसे शरीर से क्या लाभ, तो तुम मरी जाना चाहिए कि नहीं। प्रत्येक आस्तिक को मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं सुंदरकांड का पाठ करो, सोने में जो आनंद आता है, रात में ससुर मोबाइल से खेलेंगे और दिन में सोएंगे। हम भी कहते जाओ, अब मेरे पास इतना समय थोड़ा है कि तुम्हारी मनुहार करूं, मरो, जब मरना है तो मरो, अब क्या करें। तो देखिए रावण में ये 14 दोष हैं, तो सरस्वती ने कहा कि रावण को मारने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों का समय देना चाहिए, वो वनवास में ही होगा, क्योंकि राम जी अयोध्या में रहकर रावण का वध नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? अयोध्या का अवध, जहां किसी का वध ही नहीं होता तो रावण का वध कैसे हो जाएगा। रावण का वध तो उसके घर में जाके करना पड़ेगा, इसलिए तापस विष विशेष उदासी, तापस विष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस विष। देखिए अब अंतिम समाधान आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर इतना अच्छा है कि कल तक इसकी व्याख्या मैं कर सकूंगा, भरत चरित तक। देखिए वन यात्रा में भगवान राम 14 भक्तों से मिलेंगे, कम से कम 14 भक्तों से मिलेंगे। कितने भक्तों से? 14 भक्तों से। और वाल्मीकि जी ने जो 14 भक्ति कहे, वाल्मीकि से भगवान ने पूछा ना कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहे गृह गृह रूरे, इनके
भगवान राम ने कहा कि मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि ने कहा आप 14 वर्ष के लिए आए हैं तो 14 भक्तों के हृदय ही आपके लिए घर होंगे। मैंने रामायण का निर्माण किया है, राम के आयन का तो मैंने ही निर्माण किया है ना, तो लीजिए ये आपको मैं 14 घर बता दे रहा हूं। जिनके कान आपकी कथा सुनने से भरे ना उनके हृदय में रह लीजिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे ही दर्श जलधर अभिलाखे, निदर ही सरित सिंधु सरबारी, रूप सिंधु जल हो सुखारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक बसव बंद सी सह रघुनायक। जिनकी आंखें पपीहे के समान हैं, केवल आपके रूप स्वरूप रूप स्वाति जल से प्रसन्न होती, उनके हृदय में रह लीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जासु, मुक्ताहर गुणगन चुनई राम बसहु मनतासु हियतासु। आपका जैसे मानस सरोवर के समान, जिनकी जीभ मुक्ता के समान है, आपके गुणगण को चुनती है, उनके हृदय में रह लीजिए। तीन प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभाषा, सादर जासु लहे नित नासा, तुनह तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीश नमः सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित कत विनय विशेखी, करन त करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, तुम्हें छाड़ गत दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे प्रभु आपका प्रसाद ही जो नासिका में आपके प्रसाद की सुगंध लेते हैं, आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, आपका प्रसाद वस्त्राभूषण धारण करते हैं, गुरु ब्राह्मण सबको प्रणाम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके समान जिनकी दूसरी गति नहीं उनके हृदय में रह लीजिए। और मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हें सहित परिवारा, तर्पण होम करें विधनाना, विप्र जवाय देह दिन दाना, तुमते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाई से वह सन। आपका जो मंत्रात का जप करते हैं भगवान, परिवार सहित आपकी पूजा करते, सब करी मांग ही एक फल रामचरण रत हो, सबका एक ही फल मांगते हैं राम जी के चरण में प्रेम हो, तिनके मन मंदिर बसव सिय रघुनंदन दोई, उनके मन मंदिर में सीता जी के सहित आप दोनों जन रहिए। कहा भगवान भगवान काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ रंग नहीं माया, तिनके हृदय बसग रहे। कामादि विकार जिनके मन में नहीं उनके हृदय में रहिए। सबके हित सब प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सुर शरण तुम्हारी, भगवान वहां चरण राज राम तीरथ चल जाही, यहां तुम ही छाड़ गए थे दूसरा नाही, राम बसो तिनके मन में। इसके बाद
जो हरसे पर संपद देखी, सुखी हुए पर विपत्ति से, दुखी हुए पर विपत्ति से। जननी समझाने पर नारी, धन पराव बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके ही सुख संतारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर प्रसन्न होते, दूसरों की विपत्ति से दुखी होते, पर नारी के जो माता के समान देखते हैं, दूसरे का भी धन जिन्हें विष लगता है, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनको प्राण से भी प्रिय हैं, तिनके ही सुख सदन तुम्हारे, उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा गुरु मातु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सी समेत दो भ्रात। स्वामी सखा गुरु माता पिता जिनके सब कुछ आप ही हैं, उनके मन मंदिर में रह लीजिए। तजियो गुण सबके गुण गही, विप्रसाद संकट सही। जो किसी की बुराई नहीं देखते, गुण देखते, नीत निपुण जिनकी जगलीका, जिनकी मर्यादा नीत निपुण है, घर तुम्हार तिनकर मननी का, उनका मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझे नहीं दोसा, जय सब भात तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रे लागे जही, तेहूर बसव सहित वेदे। आपका गुण देखते अपना दोष देखते, जिनको राम भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सप्तज रहे तुम्हें उरलाई, तिनके हृदय बसवाई। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, सब कुछ छोड़कर जो आपको हृदय में लगा के रखते हैं, उनके हृदय में रह लीजिए। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तह देख धरे धन बाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करो तिनके उडेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष सबको जो समान मानते हैं, जहां तक आपको धनुष बाण धार के देखते हैं, जो आपके सेवक हैं, उनके हृदय में रहिए। जाहे न चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तास मन सोई राउर निजगे। जिनको कुछ नहीं चाहिए आपसे प्रेम, उनके हृदय में रहिए। ये 14 घर बताए, और संयोग से वनवास काल में राम जी 14 भक्तों से ही मिले, इसलिए 14 वर्ष राम वनवासी। अब फिर किसी दूसरी कथा में इनके 14 भक्तों की चर्चा करूंगा, अथवा जब इटावा में दोबारा मेरी कथा होगी तब याद कराना। तब 14 भक्तों की चर्चा 9 दिन में पूरी करूंगा। चौदह भक्त कौन कौन मिले राम जी को? पहले गुहराज, जो राम जी के सेवक हैं, जिनको लक्ष्मण जी ने गीता सुनाई, सखा परम परमार्थ ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो, सखा परम परमार्थ मन क्रम वचन राम पद लिए हो, सखा पर। और दूसरा भक्त कौन? केवट, जिसने भगवान के चरण धोए। जय हो। मांगी
नकेवट आ तुम्हार मरम मैं जाना तुम्हार मरम मैं जाना। ये भगवान का दूसरा भक्त, सब कुछ छोड़ दिया, केवल चरणोदक चाहता है। बर तीर मार हूं लखन पे जब लग्न पाऊं पखारी हूं, तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। ये है दूसरा भक्त। तीसरे भरद्वाज, ये भगवान के भक्त हैं। राम जी का ऐसे गाते रहते हैं। चौथे वाल्मीकि स्वयं आनंद करते। पांचवें कौन? अत्रि, पांचवें भक्त अत्रि। छठे सर्वभंग जी, सातवें भक्त सुतीक्ष्ण जी, आठवें भक्त अगस्त जी, नौवें भक्त जटायु जी, दसवीं भक्त शबरी जी, दसवीं भक्त और ग्यारहवें भक्त कौन? ग्यारहवें भक्त स्वयं नारद जी, बारहवें भक्त हनुमान जी, तेरहवें भक्त सुग्रीव जी और चौदहवें भक्त विभीषण जी। इन्हीं चौदहों भक्तों से मिलने के लिए भगवान ने स्वयं सरस्वती से कहा कि तुम कैके जी से कह दो कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दें। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आनंद कर दिया। इसलिए इन 14 भक्तों में 14 लक्षण घटेंगे, फिर कभी सुनाएंगे। राम जी का वनवास हो रहा है, केवट राम जी की चरण धो रहा है। केवट ने कहा कि जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नाव पर नहीं बिठाऊंगा। और भगवान ने धुलवाया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण
सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण केवल धो रहा है, बरस मनसु सकस यहाँ देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है करुणानिधि कृपा करनी तो क्या आनंद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शेष चर्चा कल, आज आपका समय मैंने बहुत लिया। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।